नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए मोदी सरकार तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर नक्सल समस्या पर चर्चा की है। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी शामिल हुए, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR शामिल नहीं हुए। नक्सल समस्या पर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक में महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सीमा पर बढ़ती नक्सल गतिविधियों पर बैठक में चर्चा हुई। बेमेतरा का गौरव कहे जाने वाले सबसे पुराने स्कूल का भवन बदहाली के आंसू रो रहा है। इसकी छतों से सूरज झांकने लगा है, लेकिन मरम्मत पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। 1917 में बने बेसिक स्कूल में 8 कक्ष हैं, जिसमें केवल एक ही कक्ष में बैठा जा सकता है, बाकी 7 कक्ष पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। इसके कारण 2 से 5 तक की कक्षाएं एक ही कक्ष में लगाई जाती थी और अब तो बच्चों ने भी स्कूल आना बंद कर दिया है और साल दर साल स्कूल की घटती दर्ज संख्या केवल 55 तक ही सीमित रह गई है। उसके लिए प्रस्ताव बना करके शासन को मांग पत्र भेजा गया है। जैसे ही शासन से हमको राशि मिलेगी, तुरंत जो है नगर पालिका को राशि उपलब्ध करा के उसका मरम्मत या जीर्णोद्धार के लिए जो प्रयास करेंगे। SCCL के दीपिका डिस्पेंसरी के डॉक्टर और अन्य स्टाफ का अस्पताल में ही काम करने वाली एक नर्स ने विवाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। नौबत यहां तक आ गई है कि जिस नर्स से विवाद हुआ उसे डॉक्टर और अन्य स्टाफ अस्पताल में अब और नहीं देखना चाहते, जिसके चलते अब साइकिल स्टैंड के पास डॉक्टर और स्टाफ कुर्सी बेंच लगाकर बैठ गए और यही मरीजों का उपचार कर रहे हैं। बिहेवियर देख करके जिस तरह से वो बिहेव करती है सबके साथ, बहुत मुश्किल है उनके साथ काम कर पाना। एक तो बहुत ही गलत तरीके से बात करती है। हमारे यहाँ पे जैसे आपको डॉक्टर यू के सिंह सुरेंद्र के इंचार्ज उन्होंने बताया है कि रेखा जो डिस्पेंसरी के हेड रही है, इंचार्ज रही हैं, हमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इन्हीं को जाके बोलते हैं। तो जब वो इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकती हैं और यहाँ तक की बात की जूते उतार के मारी गई, तो ये तो कोई कभी किसी से नहीं कहता। एक सिस्टर है स्टाफ नर्स दीपा दास, उन्होंने मुझे गाली दी है चैम्बर में आकर के, जब मैं पेशेंट देख रहा था ड्यूटी आवर में गाली दी है और मारने के लिए धमकी दी है, चप्पल खोल के मारूंगी। उसका कंप्लेन हमने प्रशासन को कर दिया है, प्रशासन की आज इंक्वायरी है, देखते हैं इंक्वायरी में क्या होता है। यह आरोप बिल्कुल झूठा है और बेबुनियाद है, क्योंकि 2019 से शॉर्टेक्स पहले इंजेक्शन को लेकर मिस्टर जगन्नाथ जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, मुझसे दबाव बनाया है और डॉक्टर को उन्होंने मेरे प्रति धमकाया है। इसलिए डॉक्टर ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा, मैं तुम्हारा PR खराब कर दूंगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नान मामले में याचिकाकर्ता को ट्रांसलेट कॉपी पेश नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में धर्मलाल कौशिक की SIT के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के मुताबिक शासन के साथ एक और याचिकाकर्ता ने कॉपी ट्रांसलेट कराने की में समय लिया। कोर्ट ने पूरे दस्तावेज पेश होने के बाद ही मामले की सुनवाई करने की बात कही है। प्रकरण को माननीय चीफ जस्टिस के साहब के सामने प्रशासनिक दृष्टि से रखने का आदेश दिया है। ये कहा है कि इसकी तिथि तब तय की जाएगी जब ये सारे दस्तावेज फाइल हो जाएंगे, और या फिर प्रशासनिक रूप से अगर कोई और सुनवाई कर सकता है इस तरीके के मामले को देखा जाएगा। तो इसलिए आज इस मामले की सुनवाई टल गई है। और अब खबर कोरबा से है, जहां पर डेंगू नाला के पास टावर के नीचे मिट्टी खोदने का मामला सामने आया है। 3 JCB और 3 ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी की खुदाई की जा रही है, जिसके बाद ठेकेदार की लापरवाही से कभी भी टावर गिर सकता है। वहीं मामले में CSEB से मिट्टी खोदने की बात ठेकेदार कह रहे हैं।
इधर मामले में आला अधिकारियों ने जांच की बात कही है। बस्ती जिला मुख्यालय जगदलपुर में पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी ठग पुलिस अधीक्षक के जाली हस्ताक्षर के जरिए ग्रामीणों को निशाना बनाता था। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी के इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मामले में कुछ कहने की बात कही है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आरोपी जगदलपुर के पुलिस कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को वाहन नीलामी के नाम पर एसपी के जाली हस्ताक्षर के जरिए ठगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमावाड़ा के कुछ ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की थी। कृष्णा वैष्णव और गुड्डू कश्यप नाम के दो व्यक्तियों द्वारा थाने में जब्त वाहनों की नीलामी होने की है और कम दामों पर उन्हें अच्छी गाड़ी दिला देने की बात कहकर करीबन 23,000 रुपए उनसे ले लिया गया था और ऐसे ही अन्य 10 लोगों से 23,000 रुपए उन दोनों के द्वारा लिया गया था। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक आदेश जिस पर नीचे हस्ताक्षर पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर लिखा हुआ था वो भी दिया गया, जिसमें उनको गाड़ी मिल जाने की बात लिखी गई थी वो भी उनके द्वारा दिया गया है। काफी समय बीत जाने के बाद और गाड़ी नहीं मिलने पर शंका होने पर इनके द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपी कृष्णा वैष्णव और गुड्डू कश्यप दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिस पर उनके द्वारा जो है अपना अपराध कबूल किया गया, जिस पर उन्हें आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पर रिमांड पर पेश किया जाएगा। कांग्रेस जिला मुख्यालय की सक्रिय सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर विपक्ष में रहते कांग्रेस ने कई बार इस मुद्दे को सदन में उठाया, लेकिन सब सत्ता में आने पर इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है। शहरवासियों को उम्मीद थी कि सरकार कांग्रेस की सरकार बनती है तो सड़क चौड़ीकरण का काम होगा, लेकिन अब कांग्रेस विधायक शिशुपाल शोरी के बयान से ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। किंतु जो गड्ढे भरने के काम उन्होंने शुरू कर दिया है, मैं खुद भी शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दिन हम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे शहर भ्रमण किए थे और जो सिम्बॉलिक था तो हम जनता को भी मैसेज देना चाहते थे कि आपके संस्कृति में हम सब मतलब खबर कोरिया से है, जहां पर जिले में पुलिस की एक बार फिर से दागदार तस्वीर सामने आई है। रक्षक पर ही भक्षक होने का आरोप लगा है। ताजा मामला खंडवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने टीआई समेत दो कांस्टेबल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में डीजीपी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास मामले में गुहार लगाने की बात कही है। महिला की माने तो उसका प्रेम विवाह हुआ था, जिसका विरोध करते हुए परिजनों ने तलवार से हमला किया। इधर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पति को जेल में बंद कर दिया है और पैसों की मांग की है। पूरी वारदात आपको बता दें, मांग न पूरी होने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मेरे साथ बलात्कार किए हैं सर, तीनों ने बारी बारी से। ओमशंकर साहू थाना प्रभारी और जस्सी आरक्षक और सुरेश टीका। तो मेरे पति को 31 तारीख को फिर भेज दिए जेल, तो अब मैं अकेली हो गई और पुलिस वाले बोल रहे थे कि अगर किसी को बताएगी तो तेरे को यही तेरे घर में ही पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे और तू मर जाएगी जिंदे जिंदे, और बोल देंगे हम लोग रिपोर्ट में लिख देंगे कि तुम्हारा पति फंस गया है जेल में, इसलिए आत्महत्या कर ली है। और पैसा का डिमांड भी किए थे 1,00,000 रुपए एक पेटी करके। मुझे जानकारी नहीं था तो मैं पूछा कितना होता है एक पेटी, तो बताया कि भी 1,00,000 रुपए होता है। इसके बाद मुझे रिमांड में जेल भेज दिया गया 31 तारीख को और मेरी पत्नी के साथ रेप कांड किए हैं। पति को 29-30-31 मई थाने में बैठाया और 30 तारीख की रात को महिला के घर रात में गए, उसका संदूक तोड़ करके 1,00,000 रुपए लूट लिया और उस महिला के साथ पारी पारी से थाना प्रभारी और दो आरक्षक तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस बात को लेकर के आईजी महोदय को 20 तारीख को शिकायत किया है इन्होंने सरगुजा संभाग में, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जब मैंने आज आईजी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने एसपी को दिया है, इसमें टेक्निकल कुछ जांच चल रही है। मैंने कहा साहब
FIR क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि फर्स्ट आप FIR करेंगे, देन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या है हम जानते हैं। की चर्चा गैलरी में विपरीत दिशा से आ रही कार की ठोकर से बाइक सवार पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेटे को परीक्षा दिलाने के लिए महेंद्रगढ़ जा रहे पिता पुत्री को घर से निकलते ही मुख्य मार्ग से आ रहे लापरवाह कार चालक ने इतनी जोर से ठोकर मारी कि दोनों सड़क से दूर जा गिरे। पिता का हेलमेट चूर चूर हो गया और कार पलट गई। आसपास के लोगों ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में मातम पसर गया, जहां कुल चार सदस्यों में से दो की मौत होने के चलते घर में मां और उसका 11 वर्षीय पुत्र अकेला बचा है। पेपर दिलाने के लिए सुबह लेके आए अपने बाइक पे निकले, हेलमेट वगैरह गाड़ी पे लेके चले अपना, और उधर से जा रहे थे फूलपुर, जैसे पहुंचे उधर से जाइलो जो आ रही थी गाड़ी वो इनको अपना ना साइड देखे और इनके साइड में आके इनको ऐसा धक्का मारा कि उनको पूजे के नीचे दोनों डेड। और राजनांदगांव में एक युवक ने कलेक्ट्रेट पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया है। पीड़ित की माने तो आवागमन के रास्ते में भवन निर्माण का कार्य शुरू होने के चलते परिवार को परेशान होना पड़ रहा है। मामले में पहले भी दो बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो मजबूरन आत्महत्या करने को वो मजबूर हुआ। रजिस्ट्री पेपर में 10 फीट का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन अब इसी खाली जगह पर भवन निर्माण का कार्य अन्य व्यक्ति के द्वारा शुरू कर दिया गया है और इस क्षेत्र में कोई भी रास्ता नहीं होना बता रहे हैं। मोतीपुर रामनगर थाना क्षेत्र का यह बुरा मामला है। अब मैं ये आखिरी बार जनदर्शन दो बार हुआ है मेरा, अब ये तीसरे बार मैं आया हूँ, और अगर ये निर्णय नहीं होता तो मैं बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठाने वाला हूँ, वो भी आत्महत्या का। सीधा मट्टी तेल डालूंगा कलेक्टर के सामने में, छिड़काव करूंगा, उसके जिम्मेदार कलेक्टर साहब भी होंगे और जो जो अधिकारी जो आए थे वहाँ भी कई बार आ चुके हैं, वो देख चुके हैं वो सब चीज को, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। अभी वो व्यक्ति मेरे पास जनदर्शन में आया था और मैंने सीएम और तहसीलदार को लिखा है, वो तत्काल मौके पर जाएं और देखें कि क्या अवैध प्लाटिंग था या कैसे वहाँ पर आवंटन हुआ है। प्लाटिंग के माध्यम से हुआ है तो उसका नक्शा क्या था उसको निकाल के देखें, और यदि वास्तव में रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है तो उसको हटाने के संबंध में कार्रवाई करें। और अब खबर रायपुर से, जहां राज्य में आयुष्मान भारत योजना के सेटअप निर्माण में कर्मचारी की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जहां पहले तो तात्कालिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर अयोग्य और दर्जनों घोटाला के आरोपी को बैठा दिया गया, उसके बाद संविदा कर्मी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तात्कालिक अधिकारी नहीं होते हुए भी पूरे सेटअप के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। उसमें भी ज्यादातर लोगों पर घोटाले और कई गंभीर मामले पहले से निलंबन की कार्यवाही हो चुकी है, और वही मामले में स्वास्थ्य संचालक का कहना है कि गड़बड़ी हुई है तो जांच कर इस पर कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सरकार बदले लगभग 7 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन तबादले का दौर लगातार अभी भी जारी है। पुलिस विभाग से लेकर स्कूली शिक्षा विभाग तक के ट्रांसफर अभी भी हो रहे हैं, और इसी कड़ी में डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों के तबादले थोक में किए गए हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य केंद्र की महिला डॉक्टर शिला प्रधान का भी तबादला हुआ है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों की माने तो अस्पताल में महिला डॉक्टर हमेशा मौजूद रहती है, साथ ही उनका तबादला रद्द करने की मांग भी की गई है। उनका ट्रांसफर हो रही है, अब हम लोग पूरा जनता को उसी का मांग है, वो 24 घंटा हमारे लिए काम करते हैं। उसका पैर भी टूट गई थी, फिर भी वो हमारे इलाज कर रहे थे हमारे गांव का, और यहाँ तक कि 90% डिलीवरी अपने गांव में ही कराती है, तो हम पूरे गांव वालों को आसपास सभी को हमारा उसकी जरूरत है। रायपुर के आरंग ग्राम पंचायत अरडाकाट में ग्रामीणों ने सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा है कि सरपंच दीपक अमलेश ने अब तक 11 वार्डों में सभा बैठक भवन का निर्माण नहीं किया। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के होते हुए भी सरपंच और वार्ड पंचों के व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते ग्रामीण जन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरपंच द्वारा अस्थायी कार्य को करने में रुचि दिखाया जाता है, जिससे कि
शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा सके। ये हाँ शासन के ऑनलाइन लिस्ट है, इमें जिसे काम दे है गांव भर दे में कि बहुत अकन आधा काम हो चुके है, सामने देख आधा नहीं हुए हैं, तो ये काम के बारे में हमन जानना चाहते हैं जो नहीं हुए थे कर बारे में, बस अच्छे बोलना है मोला। हमारा गांव में ना हमन सचिव लोग पूछे हैं रंग मंच के पैसा है दुनिया है कि के तो नहीं आए कि सचिव भैया है, और गांधी चौक में रंग भवन है और शौचालय ग्रामीण शौचालय वो ओकरो बारे में पूछे ना तो वह ला नहीं बने हैं कि के बोली से वही पूछे, पर ना हम ऑनलाइन में ना ये सब पेपर ला निकलवा। ग्यारह हमारे यहाँ वार्ड बारह वार्ड है जेवा की सिर्फ एक ही पंच आ रही है, सरपंच भी नहीं आई से और सचिव बता रही है, तो हमारे गाँव के जितका आदमी है उन्होंने पूछे कि कहाँ कहाँ काम है, तो सात आठ ठन काम हुए जेवा की हमारे लगे कि सात आठ ठन काम बढ़िया हुए, लेकिन दो ठन जो काम हुए वहाँ पैसा साफ हो गए जो ये दिखाए गए वहाँ, लेकिन दूसरा काम नहीं हुए ऐसा ना हमें जानकारी नहीं चाहता। जिला अस्पताल परिसर में संदिग्ध हालत में बैग मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर बैग खोला तो उसमें बीएसएफ जवान का कपड़ा मिला, पासी सत्येंद्र सिंह बीएसएफ के नाम से रजिस्टर मिला, बैग को थाने में रखकर सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। और खबर रायपुर से है जहां पर 1 सितंबर से बिना हेलमेट चलने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली है, बिना हेलमेट चलने वालों के खिलाफ नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, नए नियम के तहत बिना हेलमेट वालों को चालान के रूप में अब 1,000 रुपए का चालान होगा, जबकि पहले 100 रुपए था, वहीं ओवरलोडिंग पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। हाँ देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो नया अभी लागू हो गया है, 1 सितंबर से होगा, तो उसके तहत हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और हेलमेट के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब खबर बिलासपुर से जहां पर मसूरी विधानसभा के किसान धान खरीदी केंद्र बदले जाने के चलते आहत हैं, परेशान किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकी गोपालपुर सोसायटी को सोन गांव में मर्ज कर दिया है जो गोपालपुर से 7 किलोमीटर दूर है, सोसाइटी दूर होने से किसानों को धान बीज खाद लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत गोपालपुर जो थे अपन सोसाइटी में ओला शासन द्वारा पुनर्गठन करके सोन सोसाइटी में स्थानांतरित करत होला अलग, तो एक खिलाफ में हम आए कि यथावत जोंधरा में रहना चाहिए सोसाइटी, ताकि जोंधरा की दूरी हर 1 किलोमीटर हो गोपालपुर ले, और जो सोन में जो ओलाई करा थे 7 किलोमीटर है, आए जाए में किसान मन बहुत परेशानी हुई, खातू माटी लाने में परेशानी हुई, दिक्कत हुई, धान चोर ले जाए परेशानी हुई। मुर्गाहटी मार्ग की कहानी दशकों पुरानी है, कई सरकारें बदल गई हैं, लेकिन इसे रोड की सूरत आज भी नहीं बदली, हालत यह है कि 15 वर्ष तक सरकार में रहने के बाद भाजपा शासन में गृह मंत्री जैसे ऊंचे ओहदे पर रह रहे ननकी राम कंवर आज आंदोलन कर रहे हैं। ननकी राम वर्तमान में जिले में एकमात्र भाजपा विधायक हैं, उन्होंने उर्गा हाटी मार्ग के निर्माण को लेकर जाम लगा दिया है, दरअसल एक दिन पहले रविवार को यहां 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था, इसी बीच रामपुर विधायक ननकी राम कंवर भी जाम में फंस गए थे, व्यवस्था देख सरकार और प्रशासन पर वो आग बबूला होने लगे, नाराज विधायक कंवर सोमवार को कुर्सी टेबल लगाकर बीच सड़क पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए हैं। सबसे ज्यादा गलती है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की है, इसमें इतना हेवी गाड़ी चल नहीं सकती, और ये गाड़ी रोज क्या बोलते हैं जुर्माना हो सकता है, जुर्माना कैसे होगा बताऊँ आपको, ओवरलोड, इस रोड में जो कैपेसिटी नहीं है वो गाड़ी चलती है मतलब ओवरलोड, और एक ओवरलोड में एक टन में कितना जुर्माना है। हम लोग चक्का जाम किए हैं बड़ी गाड़ी के लिए, और छोटी गाड़ी को जाने दे रहे हैं, सवारी गाड़ी को जाने दे रहे हैं, खाली एम्बुलेंस वगैरह को, इसलिए हम लोग चक्का जाम किए हैं। ननकी राम जी हमारे साथ में है, हम उनके साथ रहेंगे और हमेशा हैं। अंतर्गत डेपग्रांड मामले में बॉयज सैंपल लेने के लिए पुलिस द्वारा कोर्ट में लगाए गए आवेदन पर अब 28 अगस्त को सुनवाई होगी, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश इन अग्रवाल की कोर्ट में अंतर्गत टेपकांड को लेकर सुनवाई हुई, कोर्ट ने अंतर्गत टेपकांड मामले में आरोपी बनाए गए अजीत जोगी, अमित जोगी, मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता को उपस्थित होकर कारण बताने के लिए कहा था,
अमित जोगी ने जहां समन नहीं मिलने का हवाला दिया था, वहीं मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता की ओर से उनके वकील कोर्ट में मौजूद हुए और इस मामले में एसआईटी पर ही तथ्य छुपाने की बात कही गई और जिस ऑडियो में आधार पर मामला बनाया गया है उसे तीन लैब में जो जांच की गई है उसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखने और एक कॉपी देने की मांग की गई है। और हमने ये भी कोर्ट से कहा कि वो तीनों लैबों की रिपोर्ट हमको दी जाए ताकि हम भी उसका अध्ययन कर सकें और अध्ययन करने के बाद फिर हम विस्तारपूर्वक उसका उत्तर दे सकें। न्यायालय को हमने ये भी बताया कि न्यायालय के लिए भी जरूरी है कि अगर आपको उसमें उचित आदेश करना है या आपको न्याय करना है या निर्णय जैसा भी है तो न्यायालय के संज्ञान में भी या न्यायालय की नॉलेज में भी वो तीनों रिपोर्ट रहनी चाहिए। कोर्ट को भी पता होना चाहिए कि तो आपने जो पेन ड्राइव भेजी थी वहाँ पे तथाकथित तो उसका क्या हुआ। रायपुर पुलिस का हर हेड हेलमेट अभियान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। दुनिया में पहली बार सड़क हादसा रोकने के लिए इस तरह की पहल की गई है। 7 घंटे के भीतर 15,223 में से आपको बता दें लोगों को फ्री हेलमेट यहां पर दिया गया। हम लोगों ने ये कहा था कि जो बहनें हैं वो भी अपने भाइयों को एक तोहफे के रूप में हेलमेट दे दें और उसकी सेल्फी जो है हमको व्हाट्सएप करें या सोशल मीडिया पे हमको टैग करें। तो ये पूरा जो अभियान था ये हम लोगों ने सिर्फ एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाई थी। और अब खबर बिलासपुर से जहां पर गुसैन शौक रोड स्थित मासीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में बुधवार को बच्चेदानी और स्त्री रोगों से संबंधित 10 महिलाओं का दूरबीन पद्धति द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। वहीं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के डॉक्टर प्रतिभा मखीजा ने बच्चों के बच्चेदानी की समस्या के अंतर्गत बच्चेदानी की गठान, बच्चेदानी में दीवार, बच्चेदानी में मस्सा, अंडाशय में गठान, अंडाशय में सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, बंद ट्यूब को खोलना, मासिक धर्म के दौरान अत्याधिक रक्तस्राव, बांझपन का निदान, बार बार गर्भपात आदि बीमारियों का दूरबीन से सफल ऑपरेशन किया। हमारा अस्पताल विगत 3.5 साल से निसंतान दंपतियों के लिए कार्य कर रहा है। हमारे सेंटर में निसंतान दंपत्ति संबंधित संपूर्ण जांच और इलाज की सुविधा है। जो निसंतान दंपत्ति है वह ऐसा सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब भी इलाज की एकमात्र पद्धति है, ये गलत अवधारणा है। सर्वप्रथम निसंतान दंपत्ति आने पर उनकी संपूर्ण जाँच होती है, उसके आधार पर उनको पता चलता कारण कि क्या कारण है निसंतानता का, उसके आधार पर इलाज होता है। इलाज के अन्य माध्यम जैसे दवाइयों के माध्यम से इलाज, आईवीआई के माध्यम से इलाज, लेप्रोसिस्टोस्कोपी दूरबीन पद्धति द्वारा बहुत सारी बच्चादानी से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। जैसे बच्चादानी में गठान, बच्चादानी में पॉलिप होना, बच्चादानी में दीवार होना, उसको हिस्टोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी के माध्यम से निकाला जाता है। उसके बाद ही बहुत सारे संतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। हमारे सेंटर में सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं दूसरे राज्यों से भी मरीज आते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। और माखीजा टेस्ट ट्यूब सेंटर बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ मध्य भारत में निसंतान दंपतियों का इलाज कर रहा है। निसंतानता का इलाज महंगा है, इसलिए आपका अच्छे सेंटर का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका चयन गलत होगा तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपके पैसे व्यर्थ चले जाते हैं। तो निसंतानता संबंधी इलाज कराने से पहले आप इस बात का चयन अवश्य करें और लोगों से जानकारी भी लें कि हम जहां सेंटर में इलाज करा रहे हैं वो सेंटर ठीक है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके। बुधवार को 3 दिन पहले हमारे यहां लेप्रोस्कोपी कैन था, इसमें 10 महिलाओं का दूरबीन पद्धति द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। 2 महिलाओं की बच्चेदानी दूरबीन पद्धति द्वारा निकाली गई। 3 महिलाओं के बच्चेदानी में गठान थी जो 10 से 12 सेंटीमीटर की तरह से दूरबीन पद्धति द्वारा निकाला गया। 1 मरीज के ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन किया गया, 1 मरीज के चॉकलेट सिस्ट का ऑपरेशन किया गया और 1 मरीज के जो बच्चेदानी में सेप्टम था उसे निकाला गया। 2 अन्य डायग्नोस्टिक लेप्रोस्टोस्कोपी थे। इन 10 महिलाओं का सफल ऑपरेशन हुआ और सभी मरीजों की छुट्टी लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर दूरबीन पद्धति द्वारा हो जाती है। दूरबीन पद्धति द्वारा इलाज कराने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इसमें हॉस्पिटल का जो स्टे होता है, जो हॉस्पिटल रुकना पड़ता है, कम समय रुकना पड़ता है।
हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान और बाद में जो मरीज को दर्द होता है कम होता है, ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव कम होता है और ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन होता है वुंड इन्फेक्शन वो भी बहुत कम होता है। तो दिव्य एक्सप्रेस में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए सुराला एक्सप्रेस।